साहेब तक कही से धन्य है माँ, देख मोर प्राण हा जात रही से भूख में है, चल भोजन खिला है, जा इस देश दुनिया में तो नाम अमर रही के क्यों मस्तुकी क्यों चल ये गांव के नाम भी माँ अमर रही, आप मन के नाम अमर रही माँ का क्या मतलब कैसे की नहीं उठा था सर। अच्छा 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 सब कुछ रही है वो समय हमारे पूर्वज की झाला मंडल पर लगे आंगन ढाबा रही मतलब अच्छा वो अनाज रखे वाले ढाबा कहते हैं पहले क्या बुजुर्ग हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं किशन और आप देख रहे हो सीजी टूरिज्म विद किशन। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको किसी रहस्यमय जगह या फिर टूरिस्ट प्लेस पर नहीं लेके जाने वाला हूं। आज एक हम ऐसी धार्मिक जगह पर जाएंगे जो कि टूरिस्ट प्लेस के करीब है। तो दोस्तों आप लोगों ने गिरौदपुरी का नाम सुना होगा, गिरौदपुरी गुरु घासीदास बाबा की जन्मस्थली है, जहाँ गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ था। तो आज मैं आया हूँ गिरौदपुरी, लेकिन मैं आपको गिरौदपुरी के पर्यटन स्थलों पर नहीं लेके जाऊँगा, मैं आपको लेके जाऊंगा जहां गुरु घासीदास बाबा का जन्म हुआ था, मतलब गिरौदपुरी गांव में उनके घर के आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं। वो बचपन में कैसे थे, उनका जीवन वगैरह कैसा था, उनके सतनाम पंथ के प्रवर्तक बनने के बाद, तो वो सारी जानकारी हम लोग उनके गांव घर के आसपास के लोगों से पूछ के पता करेंगे, उनका घर कैसा है वो सारी चीज़ें देखेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो दोस्तों सतनाम पंथ के प्रथम प्रवर्तक और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धर्मगुरु गुरु घासीदास जी का जन्म गिरौदपुरी में हुआ। आज हम उनकी जन्म स्थली गिरौदपुरी में जाने वाले हैं और उनके जीवन से संबंधित कुछ बातें जानेंगे। गिरौदपुरी दोस्तों बिलासपुर से 80 किलोमीटर, रायपुर से 126 किलोमीटर बलौदाबाजार जिले में स्थित। दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ गिरौदपुरी गांव के पास, आप लोग देख सकते हो यहाँ पास। और जैसे आप गिरौदपुरी आओगे तो यहाँ पर आपको एक गेट देखने को मिलेगा, ये पढ़ सकते हो गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली जाने का मार्ग। तो इसी रास्ते से लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा, एकदम लास्ट में है, माटी का घर बना हुआ है, तो वहाँ चलते हैं हम लोग। दोस्तों गांव से लगभग 2-1 किलोमीटर के करीब आपको अंदर आओगे तो बीच बस्ती में आपको गुरु घासीदास बाबा का जन्म स्थान देखने को मिलेगा। यहाँ पास पहले कुछ स्ट्रक्चर नहीं था और ये पुराना घर है उनका, और अभी कुछ नया स्ट्रक्चर बनवाने का यहाँ पास हो रहा है, पूरा बना नहीं है। मैं आपको घर के अंदर लेके जाके दिखाता हूँ घर कैसा है उनका, और उनके घर में कौन कौन रहता है अभी वो देखते हैं अंदर जाकर। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, गुरु घासीदास बाबा का जन्म गिरौदपुरी में हुआ था। गिरौदपुरी बलौदाबाजार में स्थित एक छोटा सा गांव है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहां उनका जन्म 18 दिसंबर 1756 को पिता महंगूदास एवं माता अमरोतिन बाई के घर में हुआ था। वे जन्म से ही एक जुझारू व्यक्ति थे और जिज्ञासु व्यक्ति थे। उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करने के पश्चात लोगों को मानव एक समान और प्राणी हत्या न करने का संदेश दिया। वे हमेशा सत्य एवं अहिंसा की बातें करते थे। उन्होंने उनकी प्रथम गद्दी गुरु घासीदास ने गिरौदपुरी के गिरौदपुरी धाम में स्थापित की थी। अभी भी उनका वंशज भंडारपुरी में स्थित है, जबकि उनका जन्म स्थल गिरौदपुरी में है। सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यह उनके जन्म स्थल गिरौदपुरी का घर है। हालांकि उनका घर अभी बचा नहीं है और यह नया घर बन चुका है जहाँ घासीराम रात्रि जी रहते हैं। ये उनकी गद्दी है जो यहाँ उन्होंने स्थापित करवाई है। यह घर जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यह घासीराम रात्रे जी का है। यहाँ पहले गुरु घासीदास बाबा का घर हुआ करता था, जिसके बारे में और कहानी हम लोग घासीराम रात्रे जी जानेंगे। जो जमीन मैंने बताया आपको घासीराम रात्रे जी की है, उनसे हम लोग यह पूछना चाहेंगे कि ये जो जमीन है उनके पास कैसे आई। झलहा मंडल के है, तो यहाँ जंगल काट के बस गए रही हमारे पूर्वज है, झलहा मंडल है। तो बाबा जी के माता पिता मन महंगूदास अमरोतिन माता मन गिरौदपुरी में झलहा मंडल के पास है। तो झलहा मंडल ले के ही कि भाई जगह दे जीवो खाबो हमन, तो बाबा महंगूदास रहे भाई समाज के आदमी है। ऐसे करके ये हमारे झलहा मंडल जो है ना, जो है वो जगह दे रही थी।
तो वैसे संत प्रगति की रहीन बाबा महंगूदास अमरुद्दीन माता मन, तब बाबा जी के यहाँ जन्म हुए। अच्छा। जन्म लेके फिर चरित्र महिमा दिखाए है बाबा जी, कर्म करे है, शादी शुदा हुआ है बाबा जी के। गुरु घासीदास बाबा के समय का दोस्तों, अभी फिलहाल इस घर में कुछ भी नहीं स्थित है सिवाय एक कुएं के, जो उस समय से अभी तक यहाँ स्थित है, जिसे पर्यटन स्थल के रूप में भविष्य में विकसित किया जाएगा, जो कि घासीराम रात्रे जी के घर के पीछे स्थित है। स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार द्वारा यहाँ पर एक कुंड जैसा बनाया गया है, कुआं, जो पहले पुराने समय में भी कुआं था। हाँ जी। गुरु घासीदास बाबा के समय में ही, तो इसे पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए यहाँ घासीराम रात्रे जी के घर में बनाने की अभी शुरुआत हुई है और भविष्य में जरूर बन जाएगा। गुरु घासीदास दोस्तों छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के प्रथम प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। वे एक बहुत ही प्रसिद्ध धर्मगुरु थे, जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के मन में, यह शिक्षाएं दोस्तों आज भी लोगों को बेहतरी के लिए प्रेरित कर रही हैं और आगे भी करेंगी। आप भी जहां गिरौदपुरी उनके जन्म स्थल घूमने के लिए जरूर जाइएगा। तो दोस्तों गिरौदपुरी तो आप लोग काफी बार आए होंगे और गिरौदपुरी के बहुत सारे पर्यटन स्थलों पर भी गए होंगे, लेकिन यह गिरौदपुरी का गुरु घासीदास जी का जन्म स्थल आपको कैसा लगा मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी प्राचीन घर होने के बावजूद भी वह काफी अच्छा था, हालांकि कुछ बचा नहीं है और नया घर बन चुका है, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो बची हुई थी पीछे में जो मैंने आपको दिखाया, आप लोगों को कैसा लगा मेरे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।